अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं द बेबी इन येलो, जो कि एक हॉरर गेम है। अब इस गेम में होता यह है कि हम लोग हैं एक बेबी सिटर और हमारे को इस क्यूट से बच्चे का ख्याल रखना है। वैसे तो देखने में कहीं से भी क्यूट नहीं लग रहा, लेकिन क्यूट के साथ साथ इसके अंदर रहती है एक चुड़ैल। आप लोग को याद होगा हमने अपने पिछले वाली वीडियो के अंदर इसका एक्ट 1 कम्प्लीट कर दिया था, लेकिन वो थी मेरी एक मिस्टेक। वो इसलिए क्योंकि यार वो वाली जो गेम हमने खेली थी वो था इसका पुराना वर्जन, जो कि मुझे इतना पता नहीं था। तो अब मैंने इसका न्यू वर्जन किया है और अब हम दोबारा से इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम जाए किए। ऑलराइट गाइस, ये हमारा एक्ट 1 शुरू हो चुका है। तो अभी हमारे को कॉल आई है कि हमारे को एक क्लाइंट ने मैसेज किया है कि उसके घर पे हमारे को जाना है। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये रूम नंबर 10 का बोला गया था मुझे। और ये देखो वैसे भी ये रूम नंबर 10 है और इसकी चाबी ये रही। ये देखो वैसे चाबी भी हमारे को मिल चुकी है और अब हम लोग चल लेते हैं अंदर। ओ भाई, सामने ही बच्चा बैठा हुआ है ये। और अब हमारी शुरू होगी ये गेम। तो अलर्ट गाइस, ये हमारी एक्ट 1 की नाइट 1 शुरू हो चुकी है। तो इसमें हमारे को ये वाला तो ज्यादातर हमारे को पता होगा, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें चेंज हुई हैं ये वाले अपडेट में। तो अभी हमारे को वैसे ही बच्चे को दूध पिलाना है, तो दूध की बोतल होनी चाहिए यहाँ पे, जो कि ये रही भाई साहब। यहाँ पे हम इस बच्चे को दूध पिला देते हैं और हमेशा की तरह ये बच्चा, ये देखो भाई साहब हरकतें देखो यार इस बच्चे की। तो अभी हम लोग इसे जल्दी से इसके डायपर चेंज करवा लेते हैं और यहाँ पे बस इसको बिठाने डायपर चेंज करवाने के लिए। और उसके बाद इसका डायपर, ये देखो भाई साहब हरकतें इसने स्टार्टिंग में शुरू कर दी। इसको यहीं पर डायपर चेंज करवाएंगे हम। और अब हमारे को इसको लेके चलना है ऊपर इसके बेडरूम में इसको सुलाने के लिए। तो यह चुका है इसका प्यारा सा बेडरूम और अब हम इसको यहाँ पे सुला देते हैं। और यहाँ पे इसे, और वैसे यहाँ पे कैट मिल चुके मुझे, यहाँ पे हम लोग इसे सुना देते हैं इसकी कहानी द प्रिंस एंड द कैट। तो ये मैं जल्दी से इसको कहानी पढ़ के सुना देता हूँ। तो लेट्स गाइस, हमारी कहानी कम्प्लीट हो चुकी है और बच्चा भी आई थिंक सो चुका है। देखो भाई साहब, ओ भाई साहब खराटे ले रहा है बच्चा। चलो अब हम लोग इसका गेट बंद करके चल लेते हैं और नीचे जाके हमारे को टीवी देखना है, तो हम लोग जल्दी से जाके टीवी देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, टीवी पर तो वही चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है। तो अभी हमारे को अभी नींद आ रही है, तो हम लोग देख लेते हैं, सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ओह शिट, हमारी अभी आंख ही लगी थी तो बच्चा दोबारा से रोने लग गया। तो अभी हमारे को उसको जाके सेटल करना पड़ेगा। ये बच्चा भाई बड़ा परेशान करता है हमारे को। ओ आप लोगों ने देखा, ये गेट अभी खुद ब खुद खुला है भाई। ओ अबे बच्चा भी गुम हो गया। अबे यार बच्चे अभी तो मत कर यार, अभी तो पहली रात ही है यार, क्यों मेरे को हार्ट अटैक दे रहा है अभी। तो यहाँ पे हम लोग इस बच्चे को सेटल कर दिया है और अब दोबारा से इस बच्चे को लेके चलना है हमारे को और इसे सुलाना है इसके रूम में। ये हमने बच्चे को फेंक दिया इसके रूम में और अब हमारे को इसको एक इसका गुड्डा देना है, जो कि इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका ये इसको वाला ही टेडी अच्छा लगता है, जो कि हमने इसको कहानी सुनाई होती है। तो इसको हमने सुनाई है द गेट की कहानी, तो हमारे को इसको देना है गेट वाला प्लशी। और ये देखो भाई, बच्चा खुश भी हो चुका है। तो अब हम लोग इसका गेट बंद कर देते हैं और चलते हैं हम लोग नीचे टीवी देखने के लिए। ये देखो भाई साहब, दोबारा से वही हरकतें शुरू हो गई, गेट खुद ब खुद ही खुल जाता है भाई। यहाँ पे अजीब ऑटोमेटिक गेट लगे हुए सेंसर्स वाले। अब हम लोग दोबारा से यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे को देखना है टीवी। तो अब हम लोग आ चुके हैं नाइट 2 के अंदर और यहाँ पे हमारे को बस बोतल डायरेक्ट बच्चे को देनी है। तो बच्चे ये देखो यहाँ से बोतल ही गुम हो गया, हमारे को बोतल को अब ढूंढना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे ये रही भाई साहब बोतल। तो लेट गाइस, बोतल भी हमारे को मिल चुकी है और ये देखो भाई साहब, बच्चा खुद ब खुद ही यहाँ पे आ जाता है भाई टेलीपोर्ट होके। इस बार तो इसने भाई आवाज के साथ किया ही है। चलो अब हम इसके डायपर चेंज करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे रख देते हैं और यहाँ पे इसका डायपर ये रहा। अबे यार ये क्या था, ये बच्चे यार थोड़ी देर के लिए तो खामोश हो जाए यार तू, यानी खामोश क्या, अपनी हरकतें बंद कर दे। ये देखो इसका डायपर को भी हमारे को पकड़ना पड़ेगा। तो ये डायपर भाई यार आ जाए यार डायपर, ये इस वाले रूम में चला गया है जो की हमारा रूम लॉक होता है। और यहाँ पे ये देखो भाई सब सर चकरा गया इसका और यहाँ पे हमारे को वही इसका दिख चुका है इमरजेंसी वाला, यानी कि अगर इस बच्चे के अंदर मॉन्स्टर आ जाता है तो हमारे को इसके ये वाले जो फीडर होती है ये इसको देनी पड़ती है। यहाँ पे हमारे को एक और कैट मिल चुकी है। ऑलराइट गाइस, हमने इस बच्चे का डायपर भी चेंज कर दिया है और अब हम लोग चलते हैं इस बच्चे को सुलाने के लिए। तो भाई साहब, बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुकी है उसकी रूह। तो भाई साहब, हमारे को बच्चे से ज्यादा कुछ मजाक नहीं किया, इस बार हमने बच्चे से मजाक ही नहीं किया और ये था भाई साहब हमारा पहला मजाक। यार इस बच्चे से ज्यादा हमारे को मजाक नहीं करना, इस बच्चे को हमने सुला दिया यहाँ पे और अब इसको चुपचाप से हम लोग स्टोरी सुना देते हैं। बच्चे को मैंने फेंका कैसे यार, उल्टा फेंक दिया बच्चे को मैंने गलती से। तो हम लोग जल्दी से इसकी स्टोरी सुना देते हैं। अबे यार देखो,
मैंने बोला था ना इस बच्चे से हम लोग मजाक करते हैं, इस बच्चे को गुस्सा आने लग जाता है, तो अब हमारे को इसको प्लशी देना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे आज हमने इसको रैबिट वाली स्टोरी सुनाई है, तो हमारे को इसको रैबिट ही देना पड़ेगा इसका प्लशी, ताकि ये चुप हो जाए। ये देखो भाई साहब, अब हम लोग अपनी कहानी दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं, और वैसा अब इसको देख लेते हैं भाई साहब, अब चुप हो जाइए यार, अब सुन लियो कहानी। ऑल राइट गाइस, फाइनली ये वाली कहानी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और बच्चा खराटे लेके सो भी रहा है। तो अब हम लोग चल लेते हैं और जाके हम लोग चिल आउट कर लेते हैं टीवी देखते हुए। वैसे तो भाई साहब चिल करने के लिए क्या ही माहौल है ये। ये देखो यहाँ पे हॉर्न बजने यानी घंटी बजी है हमारे गेट की, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। ओ वैसे वही वाला टोस्टर है जिसके हम लोग दो दिन से एड देख रहे थे। और ये क्या है, रैबिट, रैबिट ऊपर से नीचे आके गिरा है। हेलो प्यारे रैबिट, इसको भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं यार। वैसे तो बच्चे ने ही क्या होगा जितना मुझे लग रहा है। ओ भाई साहब गेट भी लॉक हो गया है, मुझे लग रहा है अब शुरू होने वाला है इसका तमाशा। तो अभी हम लोग जल्दी से चल के सो लेते हैं। और ये किस साइड चल रहा है भाई। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हमारी नाइट 3 यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और वैसे टीवी में क्या चल रहा है भाई साहब, मुझे थोड़ा बहुत क्या बोलो, मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। ये देखो भाई साहब यहाँ पे भाई आई थिंक तूफान आ रहा है यार, इस बच्चे के लिए नहीं है ये, तो इस बच्चे को हम लोग चुप करा देते हैं। तूफान से शायद डर गया यार बच्चा, तो अभी हमने इस बच्चे को चुप करवा दिया। और अब हम लोग चलते हैं और जाके नीचे अपने लिए कुछ खाने के लिए बना देते हैं, जो कि हमारा टोस्टर पिछली बार आ गया था, तो हम लोग इसी के अंदर ही अपना एक मजेदार सा सैंडविच बना लेते हैं। ऑलराइट गाइस, ये हमारा सैंडविच बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम लोग इसको बनाने के लिए रख देते हैं, यानी कि हीट होने के लिए रख देते हैं। ओ भाई साहब, ओ शिट, हमने इस बार भी वही वाली गलती की है यार, बच्चे को हमने फीड नहीं करवाया इस बार भी। और यहाँ पे ये देखो भाई साहब, हमारा फ्रिज कितना लंबा हो चुका है, हमारे को जल्दी से बच्चे को जाके बोतल पिलानी होगी। बच्चे ने बंद कर दिया भाई। और यहाँ पे ये क्या हुआ, पूरे जमने लग गए हम तो। हमारे को पहले दूध की बोतल भी ढूंढनी होगी जो कि वहां पे है, हमारे को जल्दी से यार पहले वो भी जाके ढूंढनी होगी। भाई ये फ्रिज भूल भुलैया क्यों बनता जा रहा है यार। भाई साहब, अब हमारे को जल्दी से यहाँ पे पहले दूध की बोतल ढूंढनी होगी उस बच्चे की। यहाँ पे हमारे को फाइनली इसकी दूध की बोतल भी मिल चुकी है, तो अब हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। भाई ये फ्रिज है क्या है यार, इतनी ज्यादा भूल भुलैया आ चुकी है इस फ्रिज के अंदर। ऑलराइट गाइस, फाइनली हमारे को रास्ता मिल चुका है बाहर जाने का, और यहाँ पे रूम नंबर 9 से हम लोग निकले हैं, जो के रूम नंबर 10 से हमारे को निकलना चाहिए था। ये देखो भाई साहब, बच्चे के अंदर आत्मा आ चुकी है, हम लोगों ने बस एक गलती हमारे से होती है और इस बच्चे के अंदर आत्मा आ जाती है। देखो भाई साहब, इस बार हम लोग इससे मजाक नहीं करेंगे यार। अच्छा सही है यार, तूने कर दिया, कुछ नहीं होता यार। इस बच्चे को हम लोग यहाँ पे चुप करके लेटा देते हैं, और उसके बाद इसका डायपर हम लोग इसे चेंज करवा देते हैं। ओ भाई साहब, मेरे ख्याल में आ गया इस बच्चे के अंदर। ये देखो भाई साहब, सारे खिलौने वगैरह, यार बच्चा दोबारा से आ चुका है भाई, अपनी असली हालत में बच्चा आ चुका है। हमारे को जल्दी से वो इमरजेंसी वाला निकालना होगा यार, इस वाले बार तो बच्चा मार भी रहा है भाई हमारे को बुरी तरीके से। इमरजेंसी वाला यहाँ पे था। ओ शिट भाई यार, डरा देता यार ये बच्चा। यहाँ पे हमारे को इमरजेंसी वाला इसका मिल चुका है, तो अब हम लोग जल्दी से जाके इस बच्चे को हमारे को सेटल करना होगा, जो कि ये देखो भाई साहब हो चुका है बच्चा सेटल। ओ भाई साहब, बड़ा खतरनाक हो जाता है यार ये बच्चा। ये देखो घर की हालत क्या कर दी इसने एक ही बार में। यहाँ पे हमारे को चुपचाप से इसको जाके बेडरूम में इसको सुलाना होगा। लेकिन वेट, ये क्या हुआ। हेलो बच्चे, यार मैं तो तेरा ख्याल रख रहा था, बस एक बार मेरे से थोड़ी गलती हो गई। उसने तीसरी कहानी की बुक अपने हाथ में रखी हुई है, शीप वाली। ऑलराइट गाइस, बच्चा अभी अभी मेरे आंखों के सामने रूम के अंदर गया, और ये लोग बोल रहे सेटल बेबी। अबे भाई, अभी ये ऐसी हालत हो रही है ना कि मैं अपने आप को सेटल करूं, वो बड़ी बात है, ये लोग मुझे बोल रहे बच्चे को जाके सेटल करो। अबे भाई साहब यार, इसको मैं चुपचाप से इसको सुलाने की कोशिश कर देता हूं। इसको हमारे को प्लशी देना, उसके बाद ही ये स्टोरी सुनेगा। हमने इसको शीप वाली प्लशी भी दे दी, और अब हमारे को इसको स्टोरी सुनानी है चुपचाप से। और भाई साहब देखते हैं अब हमारे क्या होता है हमारे साथ। एक तो है भाई थंडर स्टॉर्म पता नहीं क्यों शुरू हो चुका है। ये देखो भाई साहब, ओ शिट, ओ भाई साहब इसकी चेयर वगैरह आ चुकी है, यानी कि बच्चे के अंदर फुल टू अब रू आने लग गई है। और ये भाई साहब, ये देखो, ये हमारे को अपनी दुनिया के अंदर लेके जा रहा है भाई। ऑलराइट गाइस, फाइनली हमारा एक्ट 1 का सीन 3 भी फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक्ट 2 और एक्ट 3 भी है, यानी कि जो तीन हमने स्टोरी जिसको सुनाई थी उन तीनों के एक्ट होंगे। ये हमने जो एक्ट किया था आई थिंक ये शीप वाला था या तो फिर केट वाला था, तो ये वाला एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो कि आप सबको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाओ जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह के एक और न्यू और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।